आप सभी छात्रों का एक्सीड आईएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने मनुष्य के पाचन तंत्र के संदर्भ में बात किया था, अब कई सारे टॉपिक और हैं, तो आज मैं बहुत बड़े टॉपिक पे चर्चा नहीं करूंगा। ह्यूमन आई मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आज कुछ छोटे टॉपिक हैं जो बॉटनी से रिलेटेड हैं, तो उन टॉपिक की मैं आज सोच रहा हूँ चर्चा कर लेता हूँ, फिर ह्यूमन आई पर आऊँगा। अभी तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने हैं आप लोगों को, काफ़ी लंबा साथ रहेगा। तो आज का टॉपिक है आपका एक मिनट में आ रहा हूँ मार्कर में। तो आज का जो टॉपिक आपका रहेगा वो रूट स्टेम और फल के खाने योग्य भाग, जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर मैं चर्चा आज करूँगा, तो देखिए आप इस टॉपिक को इसमें भी कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो रूट एंड स्टेम, ये टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि रूट और स्टेम का निर्माण कैसे होता है। आप इतना तो जानते हैं कि जो बीज होता है, सीड है, सीड को जब मिट्टी में डालेंगे सॉफ्ट होगा, पानी से फूल जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि अंकुरण, इसमें जर्मिनेशन प्रारंभ होगा। एक जो होगा वो नीचे की ओर जाएगा और एक ऊपर की ओर जाएगा। जो नीचे की ओर जाएगा इसे हम रेडिकल कहते हैं, या हिंदी में इसे जो है मूलांकुर कहते हैं, और जो ऊपर की ओर जाएगा इसे हम प्ल्यूमूल कहते हैं, हिंदी में इसे प्रांकुर, सॉरी हिंदी में इसे प्रांकुर कहते हैं। तो एक आपका नीचे की ओर जाएगा रेडिकल और एक ऊपर की ओर जाएगा जिसे हम प्ल्यूमूल कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेडिकल होगा यही आगे चल करके रूट का फॉर्मेशन करेगा, रूट बनाएगा, और जो प्ल्यूमूल है ये आगे चल करके स्टेम बनाएगा। ठीक, तो अब मैं सबसे पहले रूट पर चर्चा करता हूँ, रूट के संदर्भ में आपसे बात करता हूँ कि रूट क्या है। तो जो रूट होता है, रूट को जरा समझने की कोशिश करिएगा कि रूट क्या है, क्या काम करता है रूट। यानी रेडिकल आगे चल करके रूट बनाता है। देखिए जो रूट है आपका उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जड़ के, यानी जड़ जो होगा उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। वो ये है कि जड़ में नोड और इंटर नोड, नोड और इंटर नोड नहीं पाया जाता। अब ये नोड और इंटर नोड क्या होता है, जिसे आप गन्ना खाते हैं तो गन्ना में देखेंगे इस तरीके की रचना आपको दिखेगी, इसे नोड कहते हैं और इसे इंटर नोड कहते हैं। तो गन्ना क्या है, एक तना है, इसमें नोड इंटर नोड होते हैं, और ये नोड और इंटर नोड जो है जड़ों में नहीं पाए जाते। अब आगे देखिए, जड़ के संदर्भ में और बात करता हूँ। जो आपका जड़ होता है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती
यानी वो पृथ्वी की ओर जाता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है और धनात्मक जलानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक जलानुवर्ती होता है। इंग्लिश में धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती को कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, धनात्मक जलानुवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक, और तना जो जड़ होता है आपका वो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती। ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती का मतलब है कि प्रकाश के विपरीत, प्रकाश ऊपर से आ रहा है नीचे जा रहा है, तो प्रकाश ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव फोटोट्रॉफिक होता है। अब इसके उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन खुद पूछता है, अक्सर पूछता है, उसके बारे में बात करते हैं। वो देखिए आप, देखिए अब जो इसका अगर हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जड़ आपका जो जड़ है वो कितने प्रकार का होता है, तो जड़ आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका टैप रूट। टैप रूट को हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे मूसला जड़, और दूसरा है आपका एडवेंटिशियस रूट, इंग्लिश में, हिंदी में से बोलेंगे अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, मूसला जड़ें अपस्थ रूट्स हैं। और एक चीज़ और है, इसे झाकड़ा जड़ भी कहते हैं, झाकड़ा जड़ भी इसे कहा जाता है, तो ये झाकड़ा जड़ भी आपका कहलाएगा। अब ये टैप रूट क्या है, एडवेंटिशियस रूट क्या है, ये थोड़ा समझ लीजिए। फिर जो प्रश्न आता है वो खाने योग्य जड़ों के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले टैप रूट क्या है और एडवेंटिशियस रूट क्या है ये समझिए। तो देखिए जो आपका टैप रूट है और एडवेंटिशियस रूट क्या है, इसको थोड़ा सा देखिए आप। पहले बात करते हैं टैप रूट की, यानी मूसला जड़ के बारे में बात करते हैं। देखिए इसको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कुछ जो जड़ें हैं, ये पौधा है, इसमें पत्तियाँ वगैरह निकली हुई हैं, तो जो जड़ें जब मृदा में प्रवेश करती हैं तो तीर की भांति, भाले की भांति अथवा गदे की भांति, गदा के भांति प्रवेश करती हैं, उन्हें हम मूसला जड़ कहते हैं। अब इनमें से कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये तीर तलवार, तीर की भांति, तलवार की भांति, गदा की भांति मिट्टी में प्रवेश करेंगी, और इनमें से कुछ जड़ें क्या करती हैं, भोजन को संचित कर लेती हैं, फूड को इकट्ठा कर लेती हैं, भोजन को संचित करके मोटी और मांसल हो जाती हैं और खाने योग्य होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
उन्हें हम टैप रूट कहते हैं। तो कुछ जड़ें ऐसी हैं जो भोजन को संचित करके मोटी मांसल हो जाती हैं और खाने योग्य होती हैं। तो क्वेश्चन आपका उसी में से आता है, जैसे खाने योग्य टैप रूट कौन कौन से हैं, वो एग्जाम्पल याद रखिए, क्वेश्चन आपका उसी में से पूछता है। जैसे एक है आपका गाजर, मूली, गाजर है, मूली है, और शलजम है, चुकंदर है। तो ये आपकी वो जड़ें हैं जो भोजन को संचित करके मोटी मांसल हो गई हैं और खाने योग्य। ये टैप रूट सभी 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 की सभी। अब अगर हम एडवेंटिशियस रूट की बात करें, तो एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, ये जड़े में मिट्टी में झाड़ू की भांति प्रवेश करती है, ऐसे ये देखिए इस तरीके, अत्यधिक शाखान्वित होती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट है, ये एडवेंटिशियस रूट है। अब ये खाने योग्य कौन सी है, अब इनमें क्या होता है कि जो एडवेंटिशियस रूट होती है, इनकी जो ये शाखाएं देख रहे हैं, कभी कभी इनकी शाखाएं भोजन को संचित करके मोटी और मांसल हो जाएगी इस तरीके से, ये देखिए ये मोटी और मांसल हो जाएगी इनकी शाखाएं और खाने योग्य होती है। इसमें एक एग्जाम्पल केवल आता है, शकरकंद। शकरकंद, शकरकंद इसका एग्जाम्पल है, जिसको आप स्वीट पोटैटो कहते हैं। तो चौथे के बाद ये पांचवा हो गया आपका जो खाने योग्य है। इसके अलावा आपकी खोपड़ी में जितना विचार आ रहा है, आपके दिमाग में जितना विचार आ रहा है, आलू आ रहा होगा, प्याज आ रहा होगा, लहसुन आ रहा होगा, अदरक आ रहा होगा, हल्दी आ रहा होगा, ये कोई भी जड़ नहीं है। ये क्या है, उसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूं। तो खाने योग्य जो जड़ें हैं वो ये हैं केवल, जिनको आप खाते हैं, जो खाने योग्य है, इडेबल पार्ट है, क्योंकि भोजन को संचित करके मोटी मांसल हो गई और खाने योग्य होती है। अब इसके बाद मैं अब आगे आता हूं और आगे आपसे बात करता हूं। ये तो जड़ों के बारे में बताया, जो खाने टैप रूट में कौन से रूट खाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट में कौन सी रूट खाई जाती है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं तने की बात करता हूं। अब मैं तने की बात आपसे करता हूं। तना यानी स्टेम, मैंने आपको बताया स्टेम का निर्माण जो बीज में अंकुरण होता है, प्लीम्यूल से होता है, और तने पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यानी प्रकाश पड़ेगा, तो हरे रंग का हो जाता है, लेकिन जो रूट पर रूट है वो रूट आपका वाइट ही रहता है, हरा नहीं होता है। अब देखिए जो स्टेम है, पहला पॉइंट तो ये कि इसमें नोड और इंटर नोड पाया जाता है, जिसको मैंने अभी बना के बताया भी था आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि जो तना होता है वो धनात्मक प्रकाशनवर्ती होता है, जस्ट जड़ का ठीक उल्टा है, ये धनात्मक प्रकाशनवर्ती होता है, यानी ये प्रकाश की ओर बढ़ता है, धनात्मक प्रकाशनवर्ती होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगा और ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है आपका तना। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो आप किताब को पढ़ेंगे, बॉटनी को पढ़ेंगे, तो बहुत प्रकार के तने और जड़ों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है, दिया गया है, लेकिन आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ, तो कुल मिला के खाने योग से ही क्वेश्चन आता है। तो स्टेम को हम
तीन वर्ग में बांट सकते हैं, सॉरी एक तो है अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको कहते हैं हिंदी में भूमि गत तना, और दूसरा आपका हो गया सब एरियल स्टेम, अर्ध वायवीय, अर्ध वायवीय तना, और जो तीसरा आपका हो गया, तीसरा जो आपका हो गया वो हो गया एरियल स्टेम, यानी वायवी तना। भूमिगत तना, अर्धवायवी तना और वायवी तना। अब देखिए अगर क्वेश्चन देखें तो सबसे ज्यादा इसमें से आता है, उसके बाद कभी कभी इसमें से देता है। अब इन दोनों को हम मॉडिफाइड स्टेम भी कह सकते हैं, सब एरियल स्टेम को और अंडरग्राउंड स्टेम को मॉडिफाइड स्टेम भी आप कह सकते हो इसको, मॉडिफाइड स्टेम भी आप कह सकते हो इसको। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में बात करते हैं, ये क्वेश्चन इसमें से सबसे ज़्यादा आता है। तो मॉडिफाइड स्टेम क्या है इसके संदर्भ में मैं पहले आपसे बात करता हूँ। देखिए मॉडिफाइड स्टेम क्या क्या है, यानी अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में बात करते हैं। भूमिगत तना क्या है, देखिए वो तने जिनका वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट भूमिगत यानी भूमि के अंदर होता है, और इनमें से कुछ तने भोजन को संचित करके मोटे मांसल हो जाते हैं और खाने योग्य होते हैं। ठीक है, जैसे, क्योंकि जैसे ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा। जैसे नंबर एक पे है नाम ट्यूबर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकंद। दूसरा है आपका राइजूम, हिंदी में कहेंगे धन कंद। तीसरा है आपका बल्ब, हिंदी में, ये सब मॉडिफाइड स्टेम ही है। हो सकता है आपको केवल मॉडिफाइड स्टेम लिख के दे, लेकिन मैं उसके भी प्रकार बता दे रहा हूं। बल्ब को कहेंगे सल्क कंद, और चौथा हो गया आपका कार्म, कार्म को कह सकते हैं कंद। ठीक, अब जो ट्यूबर में आपका खानी हो गए वो आलू है। आलू जो है एक स्टेम है, और ये इसको मॉडिफाइड स्टेम भी कहेंगे, और मॉडिफाइड स्टेम में ये ट्यूबर है जो खाने योग्य। राइजोम में आपका अदरक आता है, और क्या आता है, हल्दी आता है, ये खाने योग्य होता है। तो ये दोनों राइजोम है। बल्ब में देखें तो प्याज है, लहसुन है, प्याज लहसुन, ये दोनों बल्ब में यानी सल्क कंद में आएगा। और कॉर्म में देखें तो कॉर्म में आपका बंडा आता है, बंडा और सूरन, ये दोनों कॉर्म में आता है। तो ये सब के सब आपके अंडरग्राउंड स्टेम यानी मॉडिफाइड स्टेम में आते हैं, क्योंकि इनका विकास, वृद्धि और विकास भूमिगत होता है और ये खाने योग्य होता है। तो केवल मैं खाने योग्य ही स्टेम के संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कि क्वेश्चन आपका उसी में से आता है। अच्छा, अब मैं सब एरियल स्टेम के बारे में बात करता हूँ। ये तो अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में आपसे को एग्जाम्पल दिया, बताया है ना। अब आपसे जो मैं बात करूँगा
वो सब एरियल स्टेम के बारे में बात करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ही आज का रहेगा सेशन। अब बात करता हूं सब एरियल स्टेम की। सब एरियल स्टेम नहीं, अर्धवायु तना। अर्धवायु तना किन्हें कहते हैं? जिनका आधा भाग भूमिगत हो और आधा भाग भूमि की सतह पे हो, लगभग वायु के संपर्क में हो, उन्हें हम सब एरियल स्टेम कहेंगे। अब इस स्टेम में क्या खास बात होती है? इसमें जो एग्जाम्पल आप देखें तो वो अरुई आता है। अरुई जो खाने योग्य है, देखा होगा जैसे बंडा होता है वैसे अरुई ऐसे होती है, इसमें ऐसे कोष्ठक बने होते हैं, अरुई टेढ़ी मेढ़ी भी होगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें अरुई आता है एग्जाम्पल में, अरुई आता है, ये आपका खाने योग्य होता है। बाकी एरियल स्टेम तो आप देख ही रहे हैं, जो बाहर है गन्ना है वही खाने योग्य एरियल स्टेम में है। तो खाने योग्य जो स्टेम है उसमें मैंने आपको चीजें सारी मैंने बताई क्या क्या होता है, जिसमें से क्वेश्चन आता है। अगर आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे तो हम समझते हैं कि आप क्वेश्चन को इस सब एरियल स्टेम में अरुई है, बाकी सब अंडरग्राउंड स्टेम है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, आप कुछ एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जहाँ से मैंने देखा कि खूब क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, थोड़ा सा मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। जैसे फलों फूलों सब्जियों में विभिन्न रंगों के कारक, फलों फूलों सब्जियों में विभिन्न रंगों के कारक पिगमेंट, यानी पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब रंगा पदार्थ कह सकते हो आप, रंगा पदार्थ। यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछता है। जैसे नंबर एक पॉइंट, टमाटर का लाल रंग। टमाटर आप खाते हो तो टमाटर में लाल रंग होता है, तो ये लाल रंग किसके कारण होता है? जो टमाटर के लाल रंग का कारक है वो है लाइकोपीन। ये टमाटर के लाल रंग का कारक है जो लाइकोपीन होता है, और ये एंटी कैंसर भी होता है। और ये एक, आप ये समझिए कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो और ये टमाटर का अगर औषधि गुण पूछे तो भी यही लाइकोपीन है। ऐसा देखा गया कि टमाटर खाने वाले व्यक्ति को, खासकर पुरुषों में, एक आपको प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो पुरुषों में होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर लगभग 60 वर्ष के बाद पुरुषों में अक्सर दिखाई देता है। तो ये जो टमाटर में लाइकोपीन होता है ये उस कैंसर से आपको बचाता है। लेकिन कब? जब आप कच्चा टमाटर खाते हैं, जब आप उसे भूंज करके या सब्जी के साथ सत्यानाश करके खाएंगे तो उसका फायदा नहीं मिलता है। तो टमाटर के लाल रंग का कारण ये लाइकोपीन है। दूसरा आइए, गाजर का लाल रंग। गाजर के लाल रंग का कारण जो होता है कैरोटीन होता है, इसी माने विटामिन ए से इसकी मैंने तुलना भी की थी। तो ये गाजर के लाल रंग का कारण कैरोटीन होता है, ये भी एक औषधि गुण। अगर गाजर का औषधि गुण पूछे तो यही कैरोटीन ही होगा। तो ये गाजर का लाल रंग का कारण है। उसके वाला उसके बाद आप आगे देखिए, गाजर के बाद ये क्वेश्चन मैंने 2016 में पीसेस में आया था, पपीते का पीला रंग। पपीते का पीला रंग
देखिए पपीते का पीले रंग का कारक जो होता है वो कैरी कैग्जेन थिन होता है। ये पपीते का पीले रंग का कारक, पपीता इसी के कारण पीला आपको दिखाई देता है। तो ये पपीते का अगर औषधि गुण पूछे तो भी आंसर यही होगा, ये पपीते का पीले रंग का कारक कैरी कैग्जेन्थिन होता है। पपीते के बाद हम आगे बढ़ते हैं और मिर्च की बात करते हैं, मिर्च की और चुकंदर की। मिर्च हो गया, चुकंदर है, और आलू में जो हरा रंग दिखाई देता है कुछ कुछ आलू में वो क्या है? देखिए मिर्च का जो लाल रंग है वो है कैप्सिसिन के कारण मिर्च का लाल रंग दिखाई देता है। अच्छा, मिर्च में जो कड़वापन है उसका कारण कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट, ये कैप्सिसिन भी कड़वा का कड़वापन के कारण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिर्च में कड़वापन और ऑप्शन में आपको कैप्सिसिन दिया जाए और ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्सलेट ना दे तो कैप्सिसिन ही होगा, नहीं तो मिर्च में जो कड़वापन का कारण है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कड़वापन का कारण। लेकिन जो मिर्च का लाल रंग है वो कैप्सिसिन के कारण होता है, इसी कारण मिर्च लाल होता है। और जो चुकंदर है इसका जो रंग है वो बीटा नीन के कारण जो है, ये चुकंदर आपका लाल दिखाई देता है। अब एक जैसे हल्दी का पीला रंग, इसकी भी बात बता देता हूं। आलू में देखिए हरा रंग का कारक जो होता है वो सोलेनिन होता है, और हल्दी का पीला रंग का कारक जो होता है वो कुर्कुमिन होता है। देखिए अगर औषधि गुण पूछता है कि हल्दी का औषधि गुण क्या है तो भी कुर्कुमिन है, हल्दी का पीला रंग भी कुर्कुमिन है। तो अगर औषधि गुण पूछता है तो भी लगभग यही सारी चीजें आपको दिखाई देगी, है ना। अब ये तो मैंने कुछ रंगों के संदर्भ में बताया, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन देखा जो पूछता रहता है। अब इसी से संबंधित एक टॉपिक और है, उसको भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, तो वो टॉपिक भी देख लीजिए। कुल मिला के ये फैक्ट है, इसको तथ्य के रूप में, फैक्ट के रूप में आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना। अब आगे का एक चीज और देख लीजिए आप, क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आता रहता है, पूछ क्या सकता है, आता ही रहता है उसमें से क्वेश्चन। जैसे फलों, जैसे एक चीज इसमें और छूट गई, मुझे याद आ गया, जैसे बैगन आप खाते हो, बैगन, बैगन का लाल, बैगन में जो बैगन का जो रंग होता है बैगनी, बैगन का जो बैगनी रंग है, सॉरी, बैगन का बैगनी रंग एक किसके कारण होता है, तो इसका कारण जो होता है वो एंथोसाइनिन होता है। अब एंथोसाइनिन में क्या बात होती है, ये एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम में इसका रंग बदलता रहता है, ठीक है। अब अगर गुलाब का फूल का देखिए तो गुलाब के फूल का भी जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण ही होता है, तो इसके रंग जो है तमाम माध्यम में थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। तो बैगन का बैगनी रंग का कारक जो होता है वो एंथोसाइनिन होता है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, हेलो, फूलों, सब्जियों में कड़वापन। देखिए फलों फूलों सब्जियों में जो कड़वापन होता है या कसैलापन होता है या तीखापन होता है तो वो किसके कारण होता है, एक एक इसकी बारे में बात करते हैं।
जैसे बादाम आप खाते हैं तो कोई कोई बादाम थोड़ा सा कड़वापन होता है, वो एमी ग्लेडिन के कारण होता है। और आप मिर्च के बारे में बताया है, मिर्च का जो कड़वापन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट ऑब्लिक कैप्सिसिन के कारण मिर्च में ये कड़वापन आपको दिखाई देगा। फिर जैसे करेला खाते हैं, करेला है ना, करेले में जो तीखापन है, जो उसमें कसैलापन आता है, उसका कारक है जो करेला है वो है टेट्रा साइक्लिक ट्राई टरपाइन। ये करेले में कड़वापन का कारक आता है। करेला के बाद जैसे आप खाते हैं ककड़ी खीरा, जैसे ककड़ी है, ककड़ी कामा खीरा कामा लौकी में जो, देखिए कोई कोई लौकी तीखी मिलेगी, कुछ उसका कसैलापन रहता है स्वाद में, तो लौकी ककड़ी खीरा सब बॉटनी में एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो इनमें जो औषधि गुण या इसमें जो तीखापन का वही इसका औषधि गुण है, यही सब बादाम का भी औषधि गुण है, मिर्च का भी और करेला का भी। तो लौकी और ककड़ी और खीरा में जो है वो होता है एक इम्पॉर्टेंट चीज, कुकर बीटेसिन। तो कुकर बीटेसी फैमिली का ये सदस्य सब सदस्य है। तो कुकर बीटेसिन के कारण इनमें जो है कड़वापन तीखापन या कसैलापन आपको ककड़ी खीरा लौकी में आपको मिलेगा। उसके अलावा जो आप देखें तो जैसे प्याज है, प्याज में गंध आती है, प्याज में गंध आएगी, जब प्याज काटते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो प्याज में गंध का कारण जो है वो सल्फर के कारण होता है, सल्फर यानी गंधक के कारण होता है, लेकिन उस यौगिक का नाम है एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलिल थोड़ा सा बड़ा लिख दें, आपको सकता दिखता ना हो तो मैं ऊपर मिटार के लिखता हूँ बड़ा, नीचे वाला तो शायद दिख रहा होगा, तो इसको मैं बड़ा लिखता हूँ। प्याज, प्याज में जो गंध है उसका कारण है एलिल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। अगर उस तत्व की बात करें तो वो है आपका सल्फर, जिसको हिंदी में आप गंधक कहते हैं, जिसके कारण प्याज में गंध आती है। ठीक है, तो ये प्याज में गंध का कारण हो गया। तो जैसे प्याज में गंध होती है ठीक उसी तरह से लहसुन में भी गंध आती है। लहसुन में भी गंध होगी, तो जो लहसुन में गंध का कारण दिखेगा लहसुन में वो होता है एलाइसिन। एलाइसिन के कारण जो है लहसुन में आपको गंध दिखाई देगी। अब जैसे आप अदरक, जड़ है तना ये तो मैंने बात कर लिया, वो अदरक में जो इसका औषधि गुण है या जो इसका कफ विनाशक जो इसका गुण है या जो इसमें कसैलापन है, अदरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिंजर कहते हैं। तो जिंजर से बन जाता है जिन जेबरीन, ये अदरक का औषधि गुण है जिन जेबरीन। अब जैसे नींबू है, नींबू में जो खट्टापन है, नींबू में खट्टापन होगा तो उसका कारण है इसमें जो है सिट्रिक एसिड। नींबू संतरा मौसमी में जो खट्टापन आएगा वो सिट्रिक एसिड का। जब जैसे आपका इमली है, इमली में खट्टापन के कारण होता है। इमली में खट्टापन का कारण है टार्टरिक
एसिड, ये इमली में खट्टापन हो गया, टार्टरिक एसिड ये इमली में खट्टापन हो गया। और तो कि देखिए जो इमली में जो ये खट्टापन है, टार्टरिक, इसी तरह जैसे सिरका आप इस्तेमाल करते हैं, कभी कहते हैं सिरका में जो खट्टापन होता है, ये सिरका एक्चुअल में क्या होता है, तो सिरका जो होता है ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है सिरका, तो ये सिरका आपका एसिटिक एसिड होता है। इसी तरीके से कुछ मसालों के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर यूपी पीसीएस में या अन्य स्टेट पीसीएस में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो कुल मिला के ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि छोटी इलायची, सॉरी वो जो गोल मिर्च है, गोल मिर्च इसको हम ब्लैक पाइपर कहते हैं, या काली मिर्च भी इसको कहते हैं, काली मिर्च इसको हम इंग्लिश में ब्लैक पाइपर कहते हैं। तो इसको जो है एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जो ये काली मिर्च है इसको मसालों का राजा कहा जाता है। एक ज़माने में क्योंकि भारत मसाला उत्पादन में बहुत अच्छा स्थान रखता है, और पहले क्या होता था कि गुलामों की खरीद फरोख्त काली मिर्च के लिए हुआ करती थी। तो काली मिर्च में, ये काली मिर्च है क्या एक्चुअल में? काली मिर्च जो है, जो काली मिर्च का पौधा होता है, प्लांट होता है, उसका जो फ्रूट होगा, फ्रूट फल, तो जो फ्रूट होता है वो एक्चुअल में आप देखें तो वो रेड कलर का होगा, रेड कलर का या ग्रीन कलर का मिलेगा, जनरली ये ग्रीन कलर का मिलेगा पहले जब कच्चा होगा, ऐसे समझिए जब ये कच्चा फल होगा, कच्चा फल फ्रूट जो होगा वो हरा होगा, और जब फल पक जाता है, पक जाएगा किसका, काली मिर्च का फल पक जाता है तो ये रेड हो जाता है, यानी पिगमेंटेशन हो जाता है। तो जो कच्चा फल होगा वो हरे रंग का होगा, उसी को सुखा दिया जाता है। तो जब कच्चा फल जो हरे रंग का उसी को सुखा देंगे तो वो काले रंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप गोल मिर्च कहते हैं, ठीक है। तो ये काली मिर्च क्या है? सूखा कच्चा फल है। अब इसमें जो औषधि गुण है जिससे इसमें तीखापन, कड़वापन या जायका आता है खाने में, वो इसमें पीपरीन पाया जाता है, पीपरीन, इसके कारण ये इसका औषधि गुण पीपरीन है काली मिर्च का। अब काली मिर्च की तरह एक और मसाला है जिसमें से क्वेश्चन पूछा भी है, लौंग क्या है? काली मिर्च तो समझ गए, ये सूखा कच्चा फल है। अब अगर हम लौंग की बात करें आपसे कि लौंग एक्चुअल में है क्या, देखिए लौंग, देखिए लौंग पुष्प कली है, ये ध्यान रखिएगा, लौंग जो है वो फ्लावर है, लेकिन उसको कहेंगे फ्लावर बड, फ्लावर बड है, यानी पुष्प कली है, फ्लावर बड है, ये पुष्प कली है। और इस पुष्प कली को ही तोड़ लिया के, तोड़ करके सुखा देते हैं, जिसको आप लौंग कहते हैं, फ्लावर बड है। अब लौंग का औषधि गुण क्या है? देखिए लौंग का जो औषधि गुण सबसे बड़ा है वो यूजिनॉल है, जिसके कारण लौंग में महक कह लीजिए या उसका औषधि गुण कह लीजिए, ये कफ विनाशक होता है, तो यूजिनॉल इसका औषधि गुण है लौंग का। ये लौंग क्या है? पुष्प कली है। अगर हम इलायची की बात करें, इलायची क्या है?
इलायची क्या है? ये भी सूखा कच्चा फल है। जो इलायची है ये फ्रूट है, फल है, हरा होता है, हरेपन में ही जब इसको सुखा देते हैं तो ये सूखा कच्चा फल होता है ना। जब ये पकेगा तो इसका रंग हरा नहीं रहेगा, सूखा कच्चा फल है। और इलायची का जो औषधि गुण है इसमें सी नियोल, सी नियोल, टेरी नियोल, टेरी नियोल, ये दोनों होते हैं जिसके कारण से इलायची में महक आती है और यही इसका औषधि गुण है। अब इलायची के बाद बात करते हैं जो आप वो खाते हैं सेफ्रॉन, जैफ्रॉन, सेफ्रॉन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसे केसर कहते हैं। केसर का नाम सुना होगा, केसर, केसर, केसर क्या है समझिए पहले, फ्लावर का स्ट्रक्चर, बाकी तो अभी फल और फल के खाने योग्य भाग आपको पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। देखिए जो फ्लावर की संरचना है इन जनरली, ये फ्लावर का चित्र है, इसके भाग देख लीजिए, ये तो स्टिग्मा है जिसको हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है, ये वर्तिकाग्र है, ये स्टाइल है, ये उभरी है, उभरी का मतलब अंडाशय होता है, ये अंडाशय, और ये क्या है आपका, ये आपका नर भाग है, नर भाग, इसमें इसे कहते हैं एंथर, ठीक। तो होता क्या है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर में ये पंखुड़ी है, यहाँ पर एक चक्र है, इसको सेपल, इसको पेटल कहते हैं, ये थैलमस है, बाकी तो अभी एक और चीज आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल में। तो जो केसर का पुष्प होता है उसमें जो स्टिग्मा होगा, जिसको हिंदी में इसको वर्तिकाग्र या पूरे को स्त्री केसर कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, तो उसमें जो ये स्टिग्मा का पोर्शन दिखेगा आपको, ये ऐसा हो जाता है, ट्राइफिड ऐसा हो जाता है। और जब फ्लावर खिलता है किसी को काट के निकाल लेते हैं, तो कई बार पूछा कि जो आपका केसर है वो क्या है, जिसको इंग्लिश में सैफ्रॉन, उर्दू में जैफ्रॉन ऐसे नाम दिया जाता है, तो ये पुष्प का मादा भाग है, फीमेल पार्ट ऑफ दी फ्लावर, ये आपका केसर होता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ों पर, मसाले से संबंधित चीज़ों का मैंने जो है आपसे डिस्कशन किया। अब अगला टॉपिक जो शुरू होता है वो होता है फल और फल के खाने योग्य भाग से संबंधित। अब समस्या ये है कि समय नहीं है, तो फल और फल के खाने योग्य भाग का डिस्कशन जो है वो मैं अगले क्लास में करूँगा, फिर उसके बाद फिर मैं और टॉपिक देखूँगा। नमस्कार।